चोको चिप्स केक। ये कितना सॉफ्ट और फ्लफी बना है और इसमें बनाना की भी खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। रेसिपी बहुत आसान है, पर आपको मेजरमेंट और स्टेप को प्रॉपरली फॉलो करना होगा तो आपका केक भी इसी तरह परफेक्ट बनेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। मैंने दो बनाना लिए थे और इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, तो मैंने एक पल से इसे ग्राइंड किया था। ये प्यूरी है थोड़ी सी और इसमें थोड़े से बनाना के चंक्स भी हैं। फिर हम लेंगे शुगर, 3/4 कप शुगर लेके मैंने इसे पीस लिया। फिर 1/2 कप ऑयल, 1.5 कप मैदा, ये मैंने थोड़े से चोको चिप्स लिए हैं, 1/2 कप कोको पाउडर, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा, 1 teaspoon वैनिला एसेंस और 1 teaspoon विनेगर। मैं इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड करूँगी। एक बोल में हम बनाना प्यूरी ले लेंगे। इसमें डालेंगे पाउडर शुगर जो हमने पीस के रखी थी। फिर इसे हम दोनों को अच्छे से बीट करेंगे। मैंने दोनों को अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, वैनिला एसेंस और विनेगर। इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे। इसके लिए छन्नी लेंगे। इसमें मैं पहले डालूंगी मैदा 1.5 कप, फिर इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट एंड कोको पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम छान लेंगे। मैंने सारी चीज़ों को छान लिया है। अब हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसे मिक्स करना है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, बट आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ठीक है, तो हमको इसे थोड़ा सा पतला करना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे। मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो गई है, आप देख सकते हैं। 1/2 कप तक के मुझे इसमें मिल्क लग गया, तो मैंने 1/2 कप तक के थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिल्क डाली। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से चोको चिप्स। थोड़े से मैं रखूँगी ऊपर से डालने के लिए। इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने ये स्क्वायर टिन ले लिया और उसे थोड़ा सा घी लगा के ये बटर पेपर लगा दिया है। अब हम ये बैटर इसमें डालेंगे। इसे हम इवनली स्प्रेड करेंगे हर जगह। फिर इसे एक दो बार हम टैप कर लेंगे। फिर इस पे जो हमने चोको चिप्स रखा था वो डाल देंगे।
अब हम इसे बेक करने के लिए डालेंगे। मैं इसे 180 डिग्री पे रखूंगी 40 मिनट्स के लिए। मैंने ओवन को पहले 10 मिनट्स पहले ही प्री हीट करने के लिए रखा था, 180 डिग्री पे ही रखा था। अब मैं इसे डालूंगी, 40 मिनट्स के बाद मैं इसे चेक कर लूंगी कि ये हो गया है कि नहीं। मैंने इसे ओवन से निकाल लिया है और ठंडा भी कर लिया है। 40 मिनट्स के बाद मैंने इसमें टूथपिक डाल के चेक किया था तो ये अंदर से बराबर से बेक नहीं हुआ था, तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए और बेक कर लिया। बेकिंग में अक्सर ज़्यादातर आपके ओवन पे डिपेंड होता है कि आपका ओवन कितने लीटर का है, उसकी टेम्परेचर कैसी है, फिर आपके टिन पे भी डिपेंड होता है कि इसकी थिकनेस कितनी है, जो मोल्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी है। तो उस हिसाब से ये सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आप बेकिंग का टेम्परेचर सेट करें। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। बटर पेपर लगाने से ये आराम से हमेशा निकल आता है, इसलिए आप इस पर बटर पेपर ज़रूर लगाएं। तो निकाल देते हैं। मैंने बटर पेपर निकाल लिया है, अब देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितना अच्छा ये बेक हुआ है। अब हम इसे कट करेंगे, इसे बीच में से कट कर लेंगे। रेडी है बनाना चॉकलेट चोको चिप्स केक। इससे पहले भी मैंने केक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर की है जो आप लोग ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो आप लोग ये रेसिपी भी ट्राई करें। और आपको कोई भी रेसिपी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिखें ताकि मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर सकूँ। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।